क्वेश्चन नंबर 8, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल्स हैज अ सिलैंड्रिकल नेक. ओके, सो सिलैंड्रिकल नेक, स्फेरिकल ग्लास है उसके ऊपर एक क्या सिलैंड्रिकल नेक है. ओके, सो दिस इज सिलैंड्रिकल. ओके ओके, एंड इट इज ये राइट. तो ये क्या हो गया, ऐसा सिलैंडर रखो ऐसे. एंड ए स्फेरिकल ग्लास वेसल सिलैंड्रिकल नेक इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. सिलैंड्रिकल नेक, ये सिलैंडर, तो इसकी हाइट कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर. ओके, दिस इज डायमीटर 2 सेंटीमीटर राइट. देयरफॉर आर डी वन, सो आर वन इक्वल टू R equal to 1 centimeter, right? Then the diameter of the spherical parts is 8.5 centimeter. Diameter of spherical part. So suppose that this is R and spherical part, this is diameter 8.5 centimeter. Means that this is D2. So this is R2 equal to 8.5 upon 2 centimeter, right? Measuring the amount of water it hold, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है ये हमको बताना है. Check whether sea is correct taking the above the as the inside and pi equal. अच्छा, अब उसमें क्या बोला है आपको, क्या चेक करना है, means to prove, क्या प्रूफ कर रहे हैं कि इसके अंदर किसी बच्चे ने बोला है एच आई फाइंड इट्स वॉल्यूम ऑफ, उसने बोला है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसका वॉल्यूम कितना दिया उसने 3.5 सेंटीमीटर क्यूब बोल रहे हो, आपको ये चेक करना है और पाई को क्या देना है आपको 3.1. तो ये बच्चे ने जो बोला है उस स्टेटमेंट को आपको चेक करना है. तो अपने पास सीधा सा है चेक करने की वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड मतलब जिसमें दोनों मिलके बना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब दिस इज आर वन एंड ओके, सो दिस इज आर वन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 upon 3 pi r cube मींस आर टू क्यूब, 4 upon 3 pi r cube इट इज द वॉल्यूम ऑफ. So pi equal to 3.14 is common, दोनों में से common आ गया, right? So this is here r1 square h plus 4 upon 3 r2 cube, then this is 3.14 into r1, r1 is 1 into 1 square into h cylinder height 8 प्लस 4 upon 3 इंटू आर टू, आर टू इज 8.5 upon 2 into 8.5 upon 2 into 8.5 upon 2. ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे अगर आपका आंसर इतना आता है तो उस बच्चे का स्टेटमेंट यस होगा और नहीं आता तो नो होगा, हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो दैट इज एक्सरसाइज 13.2 इज ओवर, देन हम नेक्स्ट टाइम में 13.3 एक्सरसाइज को करेंगे. ओके, जब तक के लिए धन्यवाद. एंड आपको बता दूं कि 13.4 एक्सरसाइज हमारे सिलेबस से हटा दिया गया. ओके, तो हम सिर्फ 13.3 और इसके बाद हमारा बेटा सिर्फ एक ही चैप्टर बचेगा, वो बचेगा चैप्टर 6, वो भी मैं बहुत जल्दी अभी कर दूंगा. ओके, बाय.